और बड़ी खबर इस वक्त यह है कि अब से थोड़ी देर में यानी कि किसी भी वक्त चरणजीत सिंह चन्नी की कैबिनेट का विस्तार का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी और इंतजार ये हो रहा है कि जो नए चेहरे हैं और जो तमाम पुराने चेहरे हैं जिनके पोर्टफोलियो में बदलाव होगा वो सभी वहां पर राजभवन में डायस पर मौजूद हैं और किसी भी वक्त अब पंजाब में चन्नी कैबिनेट के मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा। 15 मंत्री शपथ लेने वाले हैं, 7 विधायकों ने, और इस बीच आपको बता दें कि एक मंत्री को लेकर विधायकों ने चिट्ठी भी लिखी और उस चिट्ठी के बाद थोड़ा विवाद भी हुआ और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, राजभवन की तस्वीरें आप देख रहे हैं, तमाम वहां पर मेहमान मौजूद हैं और वो सभी मंत्री जो शपथ लेंगे जिनके पोर्टफोलियो बदले जाएंगे वो सभी भी डायस पर मौजूद हैं और अब किसी भी वक्त कार्यक्रम शुरू होगा। सीधा रुख कर लेते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी जोगिंदर पटियाल का और ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं राज्यपाल पहुंच गए हैं, ठीक साढ़े चार बजे राज्यपाल ने प्रवेश किया है कार्यक्रम स्थल पर और अब शपथ ग्रहण समारोह वहां पर शुरू होगा। आपको सीधा लेकर चलते हैं हमारे सहयोगी जोगिंदर पटियाल के पास। जोगिंदर तस्वीरें दिखाइए जरा हमें। देखिए आदर्श, मंच पर इस वक्त राज्यपाल पहुंच गए हैं, मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी पहुंच गए हैं, सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, डिप्टी सीएम, दोनों डिप्टी सीएम, एक सुखजिंदर सिंह रंधावा और दूसरे ओपी सोनी, वो साथ आए हैं और राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित पूरी शपथ ग्रहण समारोह की कार्रवाई शुरू करेंगे। इससे पहले राष्ट्रगान हो रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं पंजाब राजभवन से जहां पर राज्यपाल पहुंच गए हैं, मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम वहां पर मौजूद हैं। इसके अलावा वो तमाम विधायक जो शपथ लेंगे मंत्री पद की और जो लोग पहले मंत्री थे जिनके पोर्टफोलियो में बदलाव होगा वो तमाम लोग डायस पर मौजूद हैं। ठीक 4:30 बजे का वक्त था और 15 नए मंत्री शामिल किए जाएंगे चन्नी कैबिनेट में, 7 नए चेहरों को जगह मिल सकती है और 5 कैप्टन अमरिंदर सिंह के 5 समर्थक मंत्रियों की छुट्टी की भी तैयारी है, जिसके बाद कई मंत्री तो एक तरीके से उनके आंसू तक निकल आए, दुखी हुए और इतने भावुक हो गए कि मीडिया के सामने ही उन्होंने अपनी बात रख दी। और इस बीच कैप्टन सरकार के टाइम में, कैप्टन अमरिंदर सिंह के वक्त में मंत्री रहे 8 मंत्री अपनी जगह बचाने में कामयाब भी रहे। और आपको बता दें मुख्यमंत्री चन्नी और 2 मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा और ओपी सोनी के अलावा कुल 18 विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। जी जोगिंदर, देखिए चीफ सेक्रेटरी अनुरुद्ध तिवारी ने जो है वो शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत कर दी है। सबसे पहले ब्रह्म महिंद्रा को बुलाया गया है, आप देख सकते हैं काले रंग का सूट पहने ब्रह्म महिंद्रा जा रहे हैं, अब सीढ़ियां चढ़ेंगे। सबसे वरिष्ठ नेता हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार में भी सबसे वरिष्ठ नेता इनको माना जाता था ब्रह्म महिंद्रा। ये पटियाला की देहाती सीट से जो है चुनाव लड़ते हैं, 1980 से लेकर अब तक लगातार कांग्रेस से चुनाव लड़ते आ रहे हैं। जब अमरिंदर सिंह कांग्रेस में नहीं होते थे तब ब्रह्म महिंद्रा पटियाला टाउन सीट जो जहां से अब अमरिंदर सिंह लड़ते हैं वहीं से लड़ते थे, वो शपथ ले रहे हैं और शपथ ग्रहण कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। ब्रह्म महिंद्रा की खासियत यह है कि इन्होंने लगातार 6 बार चुनाव जीता है, बीच में 2 बार ये चुनाव हारे भी, लेकिन 6 बार के सबसे वरिष्ठ विधायक माने जाते हैं ये पंजाब के। और कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार में लोकल बॉडी मिनिस्ट्री इनके पास थी जो नवजोत सिंह सिद्धू के पास हुआ करती थी, और जब इन्होंने 2017 में शपथ ली थी कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ तब ब्रह्म महिंद्रा को हेल्थ मिनिस्ट्री दी गई थी और वो कैप्टन के बाद सबसे सीनियर मिनिस्टर होते थे और पंजाबी में शपथ ले रहे हैं वो। ब्रह्म महिंद्रा हाईकमान के काफ़ी नज़दीक हैं, कमलनाथ के साथ काफ़ी करीबी रहे हैं और आखिरी वक्त तक जब कैप्टन की सत्ता का पूरा परिवर्तन किया जा रहा था तब भी ये कैप्टन के साथ एक पिलर की तरह खड़े थे और इन्होंने अपना पाला कभी नहीं बदला। और ख़ास बात देखिए, संयोग देखिए, इन्होंने 2017 से पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह और इनकी आपस में बातचीत तक नहीं होती थी, ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते थे। अमरिंदर सिंह 2017 के चुनाव से पहले इनके घर गए क्योंकि इन ब्रह्म महिंद्रा भी पटियाला के ही रहने वाले हैं और शाही महल जो अमरिंदर सिंह के पिता का शाही महल है उस महल से थोड़ी ही दूरी पर इनका घर है। ABP News आपको रखे आगे।